बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स हमारे पास आ जाए और उन्हें हमें कनेक्ट करना हो किसी भी सर्किट में, तो हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन हैं जिनसे हम सर्किट्स में उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि हमने कल पढ़ लिया, और आज है जी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कल आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जब हमने कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, तो हमारे पास जो चार्ज था वो सब पड़ गया था सेम था कैपेसिटर पर, जबकि वोल्टेज क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। और आखिर में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो आपके पास लेस आ रही थी किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से। आज हम देखेंगे उसका रिवर्स प्रोसेस होगा, अपोजिट चीज, सारे प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि आपके पास क्या है जी। वेल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का है, कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का है व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स इन द सर्किट, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कहता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स किसी भी दो सेम पॉइंट्स के दरमियान क्या होते हैं, कनेक्टेड, कोई भी दो सेम पॉइंट्स है उनके दरमियान क्या हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर कोई भी दो सेम पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास तीन कैपेसिटर C1, C2, C3, ठीक है। तो आप अगर इनको देखें तो ये तीनों आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों आपके पास दो पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस तीनों कैपेसिटर्स का एज कनेक्टेड है। ऊपर नीचे आपके पास तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलल, ठीक है, एक है फिर दूसरा है फिर तीसरा, ठीक है। अब इसमें देख लें कि किसी की भी एक प्लेट दूसरे की प्लेट के साथ कनेक्शन उसका नहीं है। कल जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था, हर कैपेसिटर की प्लेट्स का आपस में क्या था, कनेक्शन था। यहाँ पर आपके पास कोई प्लेट दूसरी किसी भी प्लेट के साथ जॉइन नहीं हुई, बल्कि सबकी प्लेट्स का कनेक्शन जाके एक ही पॉइंट्स के दरमियान हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास सारे के सारे कैपेसिटर कोई भी दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें हमारे पास तीन कैपेसिटर C1, C2, C3। अब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या होगी, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपके पास हम कंसीडर करते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटर C1, C2, C3 है, उनको हम दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, और उन दो पॉइंट्स के क्रॉस हम क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं जिसकी वोल्टेज क्या है, जी वी है, ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं जिसकी वोल्टेज क्या है, वी है। अब आपके पास हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना शुरू कर दें। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना शुरू करेंगे, अब देखें लेट्स सपोज आपके पास अगर पॉइंट ए से आपके पास वोल्टेज जाएगी, तो आपके पास अब देखें तो यहां से तीनों तरफ वो इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखें तो पॉइंट ए से तीन टर्मिनल जा रहे हैं, C1 की तरफ, C2 की तरफ, C3 की तरफ, तो वोल्टेज तीनों आपके पास सर्किट्स में क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी, तीनों टर्मिनल्स पे इक्वली डिवाइड होगी। तो आपके पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें आपके पास वोल्टेज क्या रहती है जी, सेम रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो वोल्टेज होती है, लेट्स सपोज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये क्या होती है, वी, वोल्टेज क्या रहेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम रहेगी। वोल्टेज क्यों सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास जो पॉइंट है जहां से वोल्टेज का डिवाइड होना वो सबके लिए इक्वल है, वहां से इक्वली वोल्टेज क्या हो रही है, हर तरफ डिवाइड हो रही है, इसलिए आपके पास वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, सब तरफ इक्वली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वोल्टेज सेम रहेगी। जबकि चार्ज क्या हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगी, तो वोल्टेज को हमने लिख दिया, लेट्स सपोज पहले की वोल्टेज V1 है, दूसरी की वोल्टेज V2 है, तीसरे की वोल्टेज V3 है, तो ये सबको किसके इक्वल ले लिया, वी के इक्वल, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चार्ज क्यों डिवाइड होगा, चार्ज इसलिए डिवाइड होगा कि हर एक कैपेसिटर की अब कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। C1 की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C2 की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C3 की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, मतलब उनकी चार्ज स्टोर करने की काबिलियत क्या है, डिफरेंट है।
तो आपके पास हर एक की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए इनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपके पास हर एक क्या करेगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज का करेगा, स्टोर करेगा किसकी डिपेंडेंस पर, अपनी कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस पर। वो अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, क्योंकि अपनी कैपेसिटेंस से ज्यादा चार्ज तो स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करेगा, अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज स्टोर करेगा। और हर एक की कैपेसिटेंस अलग है, इसलिए हर एक पर जो चार्ज है वो भी क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब है चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पहले का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, तीसरे का चार्ज Q3 है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको इक्वेशन नंबर 1 पर टोटल चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास एज आपको पता है जी Q = क्या होता है जी, एज Q = CV, क्यू किसके इक्वल होता है जी, CV के इक्वल होता है, हमने कैपेसिटर के टॉपिक में पढ़ा था। तो Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 इक्वल हो जाएगा C1V, Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 इक्वल हो जाएगा C2V, और Q3 किसके इक्वल हो जाएगा C3V। ये आपके पास सारे के चार आपके पास अलग अलग आ रहे हैं, इक्वेशन ले ली Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V। अगर आप देखें तो मैंने आपके पास V के साथ 1, 2, 3 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज क्या थी, सेम थी, उसको V के इक्वल लिया था। अब ये सारी वैल्यूज किधर पुट करें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगी, क्वेश्चन 1 इंप्लाइज Q = Q1 कितना है जी C1V प्लस Q2 कितना है जी C2V प्लस Q3 कितना है जी C3V। ठीक है, अब इसके अगर आप देखें तो V आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, V सब में क्या आ रहा है, कॉमन, तो V कॉमन ले लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो V हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब आपके पास ये चार्ज कौन चाहिए, कोवेलेंट चार्ज, ठीक है, कोवेलेंट चार्ज था। अब आपके पास एज आपको पता है कि कल भी हमने लिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने तीनों कैपेसिटर्स को जब हटा के की जगह हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आपने देखे थे जिसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, तीनों के सम के बराबर होती है। तो इस केस में भी आप क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमने तीनों कैपेसिटर्स को हटा के की जगह क्या लगा देते हैं, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देते हैं, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं जिसका इफेक्ट इन तीनों के इफेक्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो आपके पास उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिए क्यू इक्वल हो जाएगा CEV, QE किसके इक्वल हो जाएगा, CEV के इक्वल हो जाएगा। अब ये QE की वैल्यू किधर पुट करो, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगी, क्वेश्चन 2 इंप्लाइज, क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगी, ये मैं उधर लिख लेता हूं, क्वेश्चन 2 इंप्लाइज, क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगी, QE की जगह वैल्यू पुट करो, तो CEV इज इक्वल टू, ठीक है, V × C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये वैल्यूज देखिए QE की जगह से करें, अब V और V आपस में क्या होगी, कैंसिल, तो आपके पास CE किसकी इक्वल हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें क्या शो करता है, इसके लिए मैं देख देता हूं, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें बता रहा है, दिस शोज दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटर इन सर्किट। ठीक है, तो आपके पास ये हमें क्या बता रहा है, कल जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लास्ट में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के लिए हमने बात की थी, तो आज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी क्या है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स से हमें इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन हमें ये बता रही है कि दिस शोज दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन सर्किट। कि आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे, किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से। कल क्या आई थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा लेस होती थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा लेस थी किसी भी इंडिविजुअल से, जबकि इधर क्या है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा
ग्रेटर है किसी भी इंडिविजुअल से, ठीक है। इसके लिए आपके पास कल की एग्जांपल की तरह मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपके पास कल भी हमने लिया था इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि लेट्स सपोज आपके पास तीन कैपेसिटर का भी हमने लिए थे, C1 कितना है जी 2 फैराड, C2 कितना है जी 4 फैराड, C3 कितना है जी 6 फैराड, ठीक है। तो आपके पास CE कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6, तो CE आ जाएगा 12, ठीक है 12 फैराड। अब आपके पास अगर आप कंपेयर करना चाहें CE को C1 से, तो CE कितने 12, C1 कितना है 2। अब तो आपके पास 12 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, आपके पास 12 ज्यादा है तो इसलिए आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का अभी ज्यादा अभी किसी भी इंडिविजुअल से, या आपके पास किसी और से कंपेयर करना चाहो CE को कंपेयर करता हूँ C3 से, लेट्स सपोज तो CE कितना है जी 12, C3 कितना है जी 6। अब 12 ज्यादा है 6 ज्यादा है, नज़बात है 12 ज्यादा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा इंडिविजुअल। तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है ग्रेटर होती है किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी से ना सर कहते हैं। तो ये थी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि आप देखें तो अगर आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंपेयर करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास चार्ज का रहा था चार्ज सेम रहा था, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हो गया डिवाइड हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हुई थी, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगी सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो हमेशा लेस थी किसी भी इंडिविजुअल से, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा ग्रेटर है किसी भी इंडिविजुअल से। तो ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसको आपने अपने होम असाइनमेंट के तौर पर आपने इसको रिवाइज करना है, इसको अपने पास नोट करना है और उसको अपने पास सारा रजिस्टर पर नोट करके नीट एंड क्लीन करके आपने इसको लिखना है और इसको रिवाइज करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।